हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फरुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। दिस वीडियो इज द रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ द मूवी ट्रेलर एंड मूवी नेम इज शूटर। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन। गलबात बंबे एंड करोनी अपा साला पता लग जाए दुनिया में क्या है धरती से। राज करना राज रजा दे चैन ला के खाने वाले ना समझी तड़के चा कंगनी तक गिलास भर के पीजी ता करके तुसी धरती ते ठंडी गूद कदीरा पी के नी ते अगे ने चीका कटा के होनी है ओ पिंडा कट दा सिरे दा जग फैन बन गया यार सुनो मोगी बाबिया दा मैन बन गया अरे ना देखदा नी नवी गड्डी शंदी मिली ओ स्वाद नहीं आया जो शिकार करना हो तो जंगल फड़न तो पहला ताड़ी मार के चक कर अंदर जानवर कड़ा कड़ा बैठा सिर्फ मौत है यार। भाई मैं समझता तेरी गल, अब जिहड़ी रात मैं तुर पिया ना फिर आपस अगे नूं जांदा पिछे नूं नहीं मुड़िया जांदा। सारा सचो बाज बन गया। जे मैं हाथ फड़ के खड़ा करना जानता हूँ तो सिर दब के बिठाना भी जानता हूँ। क्या बात है, ये लड़ाई हम सिर्फ लड़ाई नहीं जंग बन गई है। तेजा होना पंचतरी क्या बात है, जबरदस्त कमाल ही हो गया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। पंजाबी लैंग्वेज मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है दिलशेर सिंह ने और उनके साथ कुशपाल सिंह ने, और इस मूवी की जो मेन लीड में कास्ट में शामिल है वो है जय रंधावा। अब हम बात करेंगे आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से, जो कि काफ़ी अच्छे अंदाज के साथ पेश किया गया है। मूवी के काफ़ी अहम पहलूज के अंदर दिखाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और एक तरह से आप कह लें फुल ऑन एक्शन से भरपूर मूवी और काफ़ी पैशनेट जज्बात, और आप कह लें और जब आप इसे देखेंगे तो इन्जॉय कर सकेंगे। इस तरह की मूवी है कि आप मतलब बिल्कुल जैसे कि कहते हैं एक तरह से स्ट्रॉन्ग किस्म की, बिल्कुल ज़बरदस्त, और जब आप देख रहे होंगे तो भरपूर इसको एंजॉय कर सकेंगे। और इस तरह की मूवीज़ में जैसे आप हीरो होता है जो लीड पर, तो उसको उस तरह का जैसे दिखाया जाता है कि वो बड़े कत्ल कर रहा है, मार धाड़ कर रहा है, सबको शूट कर रहा है, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इस मूवी का एंड जो है पॉजिटिव और अच्छा रखना चाहिए, कि इसको मार देना चाहिए, इसलिए
कि जब मतलब कोई मूवी जब कोई बंदा देखता है तो बहुत सारी ऑडियंस देखती है, अलग अलग ममालिक की, अलग अलग शहरों की, अलग अलग जगहों की, तो जब वो देखती है तो उनमें से बहुत सारे लोगों का नज़रिया और अंदाज़ ऐसा होता है कि वो उस चीज़ से इंस्पायर होते हैं और उस चीज़ को पिक करते हैं, और जब वो उस चीज़ को पिक करते हैं उससे इंस्पायर होकर वही वो काम करते हैं तो फिर नतीजा बहुत गलत निकलता है। तो अगर फिल्म के अंदर एंड अच्छा हो, जैसे कि एंड में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, तो फिर सही नहीं रहता, इसलिए कि एंड हमेशा ऐसा ही दिखाना चाहिए, बुरा अंजाम दिखाना चाहिए, ताकि जो कि ऑडियंस और आवाम जो भी देखे, चाहे जो जिस भी मुल्क की, जिस भी शहर, कस्बे, गांव, देहात की, तो वो एक अच्छे मैसेज के साथ देखे कि अगर आप बंदा ऐसा करेगा तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा। उससे और मतलब आप कह लें जज्बात और मतलब पे काबू रखना चाहिए, और जो कि आप कह लें अगर किसी में गुस्सा और जज्बात और इन सब चीज़ पर काबू नहीं है और वो मतलब इस तरह से लोगों को शूट कर रहा है या कुछ भी मतलब कत्लेआम कर रहा है, मार धाड़ कर रहा है, तो उसका नतीजा बुरा ही निकलता है। जो कि आप कह लें फिल्म की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो है रियल लाइफ के अंदर अगर कोई इससे इंस्पायर हो खुद इस तरह से करे तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो मेरा मानना ये है कि मूवी के एंड भी अंजाम बुरा ही दिखाना चाहिए, हैप्पी एंडिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग कुछ सीखें और सबक सीखें और देख सकें। ओवरऑल मूवी के लिहाज से तो मूवी ठीक है और बड़े अच्छे अंदाज के साथ बनाई गई है, शूट की गई है, पेश की गई है, स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी, लोकेशन, डिफरेंट किस्म की स्टोरी है, काफ़ी अच्छा किस्म का काम किया गया है, और मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से ट्रेलर को देख रहा था, दिलचस्पी हासिल हो रही थी मूवी के, काफ़ी ज़्यादा नुमाया चीदा खसूसियात और पहलू दिखाए गए जो कि काफ़ी काबिल तारीफ लग रहे हैं, और जब आप इस मूवी को देखेंगे तो इन्जॉय कर सकेंगे, और जो कि आप कह लें अच्छा काम किया है जो कि लीड पर हैं, और इसके अलावा जो दीगर कास्ट है सबकी केमिस्ट्री भी काफ़ी जम रही है, और ओवरऑल यूनिक और डिफरेंट और एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी है जो कि जब आप देखेंगे तो भरपूर इंजॉय कर सकेंगे। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसको मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।